हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम पूजा एंड दिस इज ग्लैम फ्लाई ब्यूटी। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू यूज ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्रश इन परफेक्ट वे। कौन आपको देता है परफेक्ट कवरेज, ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश? सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि फाउंडेशन का परफेक्ट कवरेज कौन देता है, ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश, क्योंकि एक टाइम पर मुझे भी नहीं पता था कि किससे मिलता है कौन सा परफेक्ट कवरेज। इसलिए धीरे धीरे मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन आपको देता है परफेक्ट कवरेज, ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश। पर उससे पहले सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने फाउंडेशन का शेड कैसे पिक करें। तो आपको हमेशा अपने स्किन टोन से एक शेड लाइट लेना है, या फिर हो सके तो आप मैच का ले लीजिए। अगर आप एक शेड ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा आपकी स्किन को, वो बहुत ही अननेचुरल सा लुक देता है और उससे आपका स्किन टोन अलग लगेगा, आपका फेस अलग लगेगा, वो बहुत ही गंदा लगता है। सो इसलिए सबसे परफेक्ट ये है कि आप अपने फाउंडेशन का परफेक्ट चूज़ कैसे करें, क्योंकि अगर आप अपने फाउंडेशन का परफेक्ट चूज़ नहीं करते हैं तो वो आपके मेकअप को काला करता है। सो इसलिए आपको हमेशा हो सके तो एक शेड या तो लाइट लेना है या फिर सेम लेना है, अदरवाइज आपका जो मेकअप है वो बहुत ही अननेचुरल लगने वाला है। क्योंकि मेकअप में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका बेस, और अगर आपका बेस ही ख़राब हो गया तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। सो आपको अगर चाहिए फ्लॉलेस एंड फिनिश मेकअप तो उसके लिए आपको चाहिए होगा परफेक्ट शेड आपके फाउंडेशन का। सो इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाउंडेशन का हमेशा परफेक्ट मैच लें। ओके, मूव ऑन माय मेन टॉपिक इज दैट कि कौन देता है आपको परफेक्ट कवरेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें ब्यूटी ब्लेंडर की, जिसका यूज़ मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ, इवन मैं तो कहूँगी मैं उसी का यूज़ करती हूँ। तो हम बात करें ब्लेंडिंग की, तो गाइस ब्यूटी ब्लेंडर को ब्लेंडिंग में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट को इतना अच्छे से ब्लेंड करता है और आपको एकदम नेचुरल सा परफेक्ट कवरेज देता है। और अगर आपको चाहिए नेचुरल कवरेज, परफेक्ट कवरेज, तो आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली ब्यूटी ब्लेंडर का। तो आपके फेस पर जो भी प्रोडक्ट है ये उसे अच्छे से ब्लेंड करता है, और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ये उसे अच्छे से सोख लेता है और एकदम आपको नेचुरल सा लुक देगा, आपको परफेक्ट कवरेज देगा। सो इसलिए मुझे इसका यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, और ये आपके प्रोडक्ट को इतने अच्छे से ब्लेंड करता है कि आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है अपने फेस पर। बहुत सारे प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद आपका जो मेकअप है बहुत हैवी फील होने लगता है, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से अगर आप ब्लेंड करेंगे तो आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें ब्रश से फाउंडेशन के एप्लीकेशन की, तो गाइज अगर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए तो उसके लिए ब्रश इज़ परफेक्ट, क्योंकि ब्रश से फाउंडेशन ब्लेंड करने से आपको उसका फुल कवरेज मिलेगा, प्लस जो फाउंडेशन का शेड है वो भी अच्छे से उभर कर आएगा। और अगर आप जब भी फुल कवरेज मेकअप करना चाहते हैं, आप कहीं वेडिंग पे, फंक्शन में, किसी भी ओकेशन पे आप फुल कवरेज मेकअप करना चाहते हैं, तब आप यूज़ कीजिए ब्रश का। और हम ज़्यादातर हैवी मेकअप नहीं करते हैं, बहुत ही कम ओकेशंस होते हैं जब हम हैवी मेकअप करते हैं, तो तब आप डेफिनेटली ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है कि आपके फाउंडेशन को फुल कवरेज देना, और जब भी आपको फुल कवरेज वाला मेकअप चाहिए तो आप डेफिनेटली ब्रश का ही यूज़ करें, जिससे आपको एकदम फुल कवरेज मिलेगा। तो दोनों का ही वर्क अलग है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको किसका यूज़ कैसे करना है। और जब आपको चाहिए होता है नेचुरल मेकअप, नॉर्मल मेकअप, तो तब आप यूज़ कीजिए ब्यूटी ब्लेंडर का, और जब आपको हाई कवरेज वाला मेकअप करना है, फुल कवरेज वाला मेकअप करना है, तब आप यूज़ कीजिए ब्रश का। इससे अगर आप मुझे पूछेंगे कि मुझे किसका यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, तो मेरा आंसर होगा ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मुझे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मुझे एकदम नेचुरल सा लुक देता है, इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करती हूँ। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि नेचुरल कवरेज देता है, नेचुरल कवरेज देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्यूटी ब्लेंडर आपके सारे प्रोडक्ट को सोख लेगा या फिर वो इतना अच्छे से कवरेज नहीं दे पाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे इसलिए पसंद है वो, क्योंकि वो अच्छे से नेचुरल कवरेज भी दे देता है जो चाहिए आपको, और आपके मेकअप को, आपके प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड भी कर देता है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है, इसलिए मुझे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि आपको ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर का कैसे यूज़ करना है, मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ, उनका यूज़ करके भी दिखा देती हूँ कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। ओके, तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना है ब्लेंड करने के लिए, डैब डैब करके। इस तरीके से आप इसे डैब डैब करके ब्लेंड करेंगे तो ये प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देगा, अच्छे से सेट कर देगा। तो ब्यूटी ब्लेंडर का आपको हमेशा डैब डैब करके यूज़ करना है, आपको इसे रब नहीं करना है।
बहुत ही नेचुरल कवरेज देता है ये। और नेक्स्ट हम बात करें कि आपको ब्रश से कैसे फाउंडेशन को अप्लाई करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपको ब्रश से इस तरीके से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेना है, लाइक दिस। ये भी इजीली ब्लेंड हो जाता है और अच्छे से आपको कवरेज देता है। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप डेफिनेटली ब्रश का यूज़ कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि इन दोनों का यूज़ आपको कैसे करना है। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।